इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों, इन आंखों से व्यवस्था दीवाने हजारों, आप जैसे सुंदर हो पूरी दुनिया में कहीं। और आज के बाद कभी देख नहीं था, ये मेरा वायदा है। दिल्ली में रहना अब और भी खतरनाक होता जा रहा है। एक आदमी की लाश दिल्ली के मयूर विहार इलाके से संदिग्ध हालत में बरामद हुई है। अबे ये सब क्या हो रहा है यार, आजकल लड़की तो छोड़ लड़का भी सेफ नहीं है। देख ले दिल्ली में हो रहा है सब कांड, मुझे वहीं जाना। जाना तो दिल्ली ही है, वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है, वहाँ का खाना, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग। ओए होए, खाना तो अपने भोपाल का ही बहुत अच्छा है, तो इसी तरह हम खाने के लिए जा रहे हैं। अबे चिल मार यार, वहाँ पर और भी तो बहुत कुछ है, लड़कियाँ और लड़के। अबे साले अच्छा वो BNB बुक करना मत भूलना। हाँ हाँ, अब ऐसे ही यहाँ पे जाएंगे तो किसी होटल में थोड़ी रुकेंगे, BNB में रहेंगे घर वाले फील के साथ। हेलो सर, मैंने BNB बुक किया था। ओ हाय, प्लीज कम। BNB तो काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ आपने। बस आप जैसे गेस्ट के लिए है। अरे आपने क्यों तकलीफ की? इसमें तकलीफ कैसे, आप मेरे BNB में आए हैं, मेरा फर्ज बनता है आपकी हर खुशी का ख्याल रखें। कुछ और चाहिए तो बता लो। बी माय गेस्ट। नहीं ऐसे नहीं। तो फिर कैसे? Thank you.
हाय मेरा नाम अंकित है. वी हैव अ बुकिंग. बुकिंग आज की? हाँ आज की. सी आज की बुकिंग. लगता है मैंने गलती से दो बुकिंग एक्सेप्ट कर ली. इट्स फुल. आई एम सॉरी. एक्सक्यूज मी सर, इट्स नॉट आवर फॉल्ट. वी हैव ऑलरेडी पेड द अमाउंट. अब इतनी रात को दूसरा बीएनबी कहाँ से मिलेगा? प्लीज सर एक ही रूम दीजिए, हम दोनों मैनेज कर लेंगे, है ना? या ओके कम. घर तो काफी अच्छा डेकोरेट किया हुआ है. इधर उधर कहीं नहीं जाना, वो रहा तुम्हारा रूम. ओके ये ऑनर थोड़ा अजीब नहीं है? तूने देखा उसके चेहरे पर लिपस्टिक लगी हुई थी. हाँ पर हमें क्या फर्क पड़ता है, बीएनबी तो अच्छा है. हाँ बात तो सही है, बीएनबी तो काफी अच्छा है. महल कर दूं? नहीं कोई नीड नहीं, मैं कर दूंगा. तुम जाओ, मैं तुम्हारा टॉवल वहीं भिजवाता हूं. हेलो लवलीज, सॉरी कल आप लोगों का ठीक से वेलकम नहीं कर पाया, थोड़ा स्ट्रेस में था, बट नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड. ओ जान के अच्छा लगा. हाँ बीएनबी में रुकने का रीजन ही था कि घर वाली फीलिंग अपनेपन वाली. डोंट वरी, अब तुम ऐसे ही लगेगा जैसे तुम अपने घर में रह रही हो. ओके थैंक यू सर. सर हमें दिल्ली एक्सप्लोर करना है, सो कोई सजेशन कहाँ जा सकते हैं कहाँ नहीं? इसमें मैंने दिल्ली की मोस्टली जगहों को मार्क किया हुआ है, तुम दोनों इन जगहों पे जा सकते हो. ओह दैट्स ग्रेट. ओके टेल मी इफ यू नीड समथिंग एल्स. अबे ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तू थोड़ा दूर रहा कर इससे. मुझे तो अच्छा लगा. तुझे तो हर बार अच्छे लगते हैं. कहा था ना तुझे, कितनी जो सही प्लेस, ऊपर से आग लड़कियाँ कितनी प्यारी है. हाँ तो चांदनी चौक नहीं दिल्ली की चांदनियाँ देखने आया है. अरे शट अप यार, बहुत देर कर दिया आने में. अरे सर वो थोड़ा. चलो कोई नहीं, वैसे तुम दोनों चाहो तो हम भी साथ बैठकर थोड़ा बहुत पी सकते हैं. नहीं सर वी ऑलरेडी वेरी टायर्ड, कल देखेंगे, हमें अभी सोना चाहिए. चल ना भी. आप ये? हाँ तुम्हें यही लग रहा होगा ना कि मैं ये सब क्यों. बचपन में मुझे भी ऐसा लगता था, मैं जो अपनी बहनों को तैयार होते देखता था तो मुझे भी लगता था कि मुझे भी उनकी तरह तैयार होना है. स्कूल में लड़कियां जैसे बाल बना के आती हैं, मुझे भी वैसे ही बाल बनाने हैं. पर मेरी मम्मी पापा को ये बात कभी समझ ही नहीं आई. उन्हें लगता था
कि हमारे बेटे को कोई बीमारी है, इसे डॉक्टर को लेके जाएंगे और वो ठीक हो जाएगा। अब उन्हें कैसे समझाऊं कि ये सिर्फ जिस्म लड़के का है और आत्मा एक औरत की। सच बताऊं तो मैं भी कुछ ऐसा ही फील करता हूँ। लोगों को तो छोड़ो, अपने दोस्त को भी बात शेयर नहीं कर सकता। कैसे समझाऊं कि दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक बीएनबी ऑनर की संदिग्ध मौत। मौका वारदात से इन लड़कों की भागते हुए फुटेज बरामद हुई है। क्या ये दोनों वही हैं जो दिल्ली में हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं?